बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे क्रिकेटर्स से, खिलाड़ियों से बात की है, टीम इंडिया से बात की है, खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने फोन पर बात की है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है और पीएम मोदी की तरफ से टीम इंडिया को जीत की बधाई दी गई है। शानदार कप्तानी के लिए रोहित शर्मा को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, पूरी टीम को, हर एक प्लेयर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। लेकिन खास तौर पर देखिए, खुद फोन करके प्रधानमंत्री की तरफ से क्रिकेटर से बात करना, ये बताता है कि हमेशा से, आपको याद होगा ओलंपिक का आप जिक्र कर लीजिए या जब भी टीम इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस किया गया है वर्चुअल पटल पर, तो प्रधानमंत्री तुरंत बात करते हैं फोन पर और बताते हैं कि किस तरीके से आपने गौरवान्वित 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को किया है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से उनकी जीत पर बधाई को लेकर बातचीत की, बधाई उनको दी, परफॉर्मेंस को लेकर उनको बधाई दी है। रोहित शर्मा से फोन पर जब बात की पूरी टीम के साथ, तो उनको भी बधाई दी गई, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से बकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया, कप्तान है रोहित शर्मा, तो जाहिर सी बात है बधाई उनको दी है पूरी टीम के लिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री हमेशा किस तरीके से, देखिए इसी को कहते हैं कि ये एक प्रधानमंत्री को उनकी एक अलग छवि बनाता है कि वो हमेशा खुद कनेक्ट करते हैं जब भी ऐसे मौके होते हैं, उन मौके पर प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनसे खुद बात करते हैं, फोन तुरंत करते हैं, कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वैसे भी बात करते हैं, अगर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी होता है तो भी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है। लेकिन जाहिर सी बात है इस बार तो मौका बड़ा है, जश्न का माहौल है, पूरा देश गौरवान्वित है, जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की है, खिलाड़ियों को इस जीत के लिए बधाई दी है और किस तरीके से पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी टीम को, रोहित शर्मा को, उनकी परफॉर्मेंस के लिए दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जीत की अद्भुत तस्वीरें सामने आए, जश्न का हर अंदाज हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के आंखों में खुशी के आंसू, हाथ में हिंदुस्तान का झंडा, क्योंकि एक बार फिर से हिंदुस्तान ने कर दिखाया है और 17 साल का इंतजार खत्म हुआ है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया और खिताब अपने नाम किया। आईसीसी खिताब के लिए भारत का 11 साल का लंबा इंतजार विराट कोहली के बल्ले से निकली आग और रोहित शर्मा की कुल कप्तानी के दम पर खत्म हुआ। और इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से फोन पर बात कर उनको बधाई दी है।